यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 की रेस से एक टीम आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई, जबकि एक टीम ने लगभग अपनी जगह सुपर 8 के लिए पक्की कर ली है। ये टीम कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसकी सीट सुपर 8 के लिए लगभग कंफर्म मानी जा रही है, क्योंकि टीम 3 मुकाबले जीत चुकी है और ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर विराजमान है। 20 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में 4 ग्रुप बनाए गए हैं जो ए, बी, सी और डी हैं। इन्हीं में से ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल साउथ अफ्रीका 3 मैच जीतकर नंबर 1 पर है, और अगर टीम अपना आखिरी मुकाबला हार भी जाती है तो भी सुपर 8 के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अन्य 4 टीमों में से 3 टीमें 6 अंकों तक पहुंच सकती हैं। सिर्फ श्रीलंका ही ज्यादा से ज्यादा 4 अंक हासिल कर सकती है। सबसे पहले बात ग्रुप ए की करें तो यहां इंडिया और यूएसए ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं और टीम 4-4 अंक हासिल कर चुकी है। इंडिया पहले और यूएसए दूसरे नंबर पर है। तीसरे पायदान पर कनाडा है, जिसने 2 में से 1 मैच जीता है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान है, जो दोनों मैच हार चुका है। आयरलैंड की टीम भी अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है। इस तरह वह 5वें पायदान पर है। ग्रुप बी की बात करें तो यह स्कॉटलैंड की टीम नंबर 1 पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें हैं। स्कॉटलैंड के खाते में 5 अंक हैं। टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 2 में से 2 मैच जीते हैं और टीम दूसरे स्थान पर है। नामीबिया ने 2 में से 1 मैच जीता और टीम तीसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने 1 मैच गंवाया और 1 बेनतीजा रहा। इस वजह से टीम चौथे और ओमान 3 मैच हार कर बाहर हो चुकी है।